दोस्तों, एबीपी ट्रेड की मैं बात करूं तो ये जो है एक ब्रोकर है जो कि 2017 से रेगुलेटेड है, ठीक है। और जो एबीपी ट्रेड है वो सीएफडी का ब्रोकर है। सीएफडी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स होते हैं और सेलर्स जो होते हैं उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम जो है तभी मार्केट का मूवमेंट होता है। सबसे बड़ा मार्केट हमको अभी तक पता था फॉरेक्स होता है, बट कहीं ना कहीं फॉरेक्स से भी बड़ा एक मार्केट है जिसको हम सीएफडी मार्केट बोलते हैं, जिसका डेली का टर्नओवर जो है 9 ट्रिलियन का है। आप पीपीटी को भी रीड कर सकते हैं, उसमें भी सारा डिटेल दिया है, बट मैंने इन शॉर्ट में इसको डाल रखा है। और सीएफडी के अंदर अंदर आप देखेंगे तो फॉरेक्स, मेटल, क्रिप्टो, इंडेसिस, स्टॉक्स, यानी ओवरऑल मार्केट जो है इसी के अंडर में आ जाते हैं, ठीक है। और एबीपी ट्रेड के पास सभी प्रकार के लाइसेंसेस हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप खुद रिसर्च करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ऑफिस की बात करूँ तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिस जो है वीबीआई में है, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड में। इसके अलावा वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग और दुबई में बहुत ही हाल फिलहाल में ओपन हुआ था। तो इससे 50 से ज़्यादा ही ग्लोबली ऑफिस भी हैं इसके, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सीईओ की बात करूँ तो टीम बूथ है, इसके अलावा जोनाथन ग्रीन है और डेविड मोचे हैं, जो कि इन्फिनिटी लैब्स और जो कि जीएफएक्स टेक्स के सीईओ हैं, ठीक है। ये आपको लाइव भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे इवेंट्स में। और अगर मैं वर्क की बात करूं तो जो एबीपी ट्रेड है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम करता है, मतलब कि एक प्रकार का ऐसा हाई कॉन्फ़िगरेशन के जो कंप्यूटर्स जो कि आपको डाटा एनालिसिस के बेस पे आपका ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करते हैं और एक कांस्टेंट जो है प्रॉफिट आपको बना के देते हैं। अवार्ड एंड रिवॉर्ड की बात करूं तो सभी प्रकार के अवार्ड रिवॉर्ड इनको मिले हुए हैं, आप इनको जाके रीड कर सकते हैं पीपीटी से। एडवर्टाइजमेंट की बात करूं, क्योंकि कोई कंपनी तब मार्केट में उठती है जब उसका एडवर्टाइजमेंट एक अच्छे प्लेटफॉर्म से हो रहा हो, तो एडवर्टाइजमेंट की बात करूं एबीपी ट्रेड का जो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा बुर्ज खलीफा से दुबई से इसका जो है कि प्रमोशन हुआ है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टावर है, ठीक है। उसी के साथ में अल मोहम्मदी ग्रुप ने यहाँ पे जो है 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, उसका भी आप वीडियो लाइव चेकआउट कर सकते हैं। जिस प्रकार से इंडिया में क्रिकेट का क्रेज होता है उसी हिसाब से फॉरेन में क्या होता है कि फुटबॉल का क्रेज होता है। तो एक ब्लैकबर्न रॉबर्स फुटबॉल क्लब टीम है, उसको आप जाके गूगल भी कर सकते हैं, उसका जो है स्पॉन्सरशिप है और डायरेक्टली स्पॉन्सर करता है ये ब्लैकबर्न रॉबर्स को, उसी के साथ में उसका पार्टनर भी है, ठीक है। और अगर जब कभी मैच होता है तो उसको आप लाइव एडवर्टाइजमेंट उसका देख सकते हैं स्टेडियम में। और पार्टनरशिप है इसका काफ़ी सारे चीज़ों के साथ में, डच कैपिटल के साथ में और इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं उनके साथ में। और किसी भी ब्रोकर के साथ में ट्रस्टेड वो तब होता है जब इसके साथ में एलपीज हो, मैंने उसको मेंशन नहीं किया, पीपीटी में देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा सभी प्रकार के एलपीज, इसके बड़े बड़े एलपीज इनके साथ में टाइप ऑलरेडी हैं। अगर फ्यूचर की मैं बात करूँ, जो ऐसा कि मैं नवंबर के मंथ से काम कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स मैंने पहले ही रिसर्च कर ली थी, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो ये आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एबीपी का एक शेयर भी चल रहा है जो कि इसी जुलाई के मंथ में ओटीसी मार्केट में लिस्ट होने वाला है, और उसी जुलाई के मंथ में F1 जो फॉर्मूला रेसिंग गेम है उनके साथ में भी इनका एडवर्टाइजमेंट यानी स्पॉन्सरशिप बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है, जो कि मलेशिया से होने वाला है। और मलेशिया का अभी तक ऑफर चल रहा था, तो अभी तक आप सिस्टम में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप प्लान को स्टडी करके इसको देख करके आप सिस्टम में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद और भी सारी चीज़ें डिटेल हैं, आप मेरे और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, साथ ही साथ में पीपीटी भी चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं प्लान के ऊपर, बात है प्लान क्या है और के इनकम जनरेट होता है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसी के बेस पे आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस सिस्टम में काम करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इनकम प्लान पे। दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एबीपी ट्रेड में कितने टाइप्स की इनकम है, जिसमें आप देखेंगे पहला जो है पैम रिटर्न है, यानी जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसको पैम रिटर्न यानी जो 6-10% जो भी स्लैब है उसके अकॉर्डिंग इसको रिटर्न देखने को मिलता है। साइक्लिक बोनस का मतलब है एक टाइम पीरियड, मतलब कि एक टाइम पीरियड इसमें दिया है, हर 90 दिन के बाद जो है आपको 1% एक्स्ट्रा मिलता है सिस्टम की तरफ से, तो उसको साइक्लिक बोनस कहते हैं। रेफरल बोनस की मतलब अगर आप किसी को अपने लिंक के थ्रू किसी को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपको एक प्रकार का इनकम जनरेट होता है, वो सारी चीज़ें वन बाई वन हम आगे देखेंगे। टीम बोनस का मतलब है कि जो भी बंदा आपके थ्रू कनेक्ट हुआ है उसका जितना भी बिजनेस वॉल्यूम है उसके ऊपर आपको एक कमीशन रिसीव होता है, उसको टीम बोनस बोलते हैं। सेम एज आपका मैनेजमेंट बोनस भी है, ये मैनेजमेंट बोनस तब मिलता है जब आप एक अच्छे रैंक पे कम से कम पहला रैंक आप अचीव करते हैं तब आपको मिलता है। कमीशन रिडिबेट का मतलब है कि जो भी बिजनेस आपके अंडर में आया हुआ है
और जो एबीपी ट्रेड है वो बेसिकली लॉट साइज पे काम करता है, तो ये जो कमीशन रिडिबेट है लॉट साइज के अकॉर्डिंग मिलता है। लेकिन ये जो है मेंबर रैंक के लिए नहीं है, मिनिमम जो है आपको आईबी रैंक होना चाहिए, तब जाके आपको ये कमीशन रिडिबेट पहला जो इनकम है आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, पहले इनकम की बात किया जाए तो सबसे पहला इनकम आता है पैम, जिसका फुल फॉर्म आता है परसेंटेज एलोकेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल। ठीक है, सिस्टम में ज्वाइन होने से पहले आपको तीन टाइप के स्लैब मिलते हैं, जिसमें आपको देख के इन्वेस्टमेंट करना होता है। सबसे पहला स्लैब जो है लो रिस्क है, दूसरा जो है मीडियम रिस्क है, तीसरा जो है हाई रिस्क है। लो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2-4% रिटर्न आपको देखने को मिलता है, मीडियम में करते हैं तो 4-6% का रिटर्न मिलता है, हाई में करते हैं तो 6-10% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। उसी के हिसाब से अगर लो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100% आपका कैपिटल जो है सेफ रहता है, मीडियम में आप करते हैं तो यहाँ पे 95% आपका कैपिटल सेफ है, और हाई में करते हैं तो कम से कम 90% आपका जो है कैपिटल सेफ है। अभी तक 6 महीने के पीरियड में मैंने मेरा जो टोटली इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो हाई के रिस्क में चल रहा है, और टोटली जो मेरा कैपिटल है वो सेफ है। ठीक है, और जिस हिसाब से इन्होंने क्राइटेरिया बांटा है लो मीडियम हाई, उसी हिसाब से इन्होंने मार्केट भी सिलेक्ट किया है, क्योंकि सीएफडी का मार्केट में आपको पता है कि क्रिप्टो इंडाइसेस, फॉरेक्स, मेटल्स इंडाइसेस, सारी चीजें इसके अंडर में आती है। तो जो लो वोलेटाइल वाले मार्केट हैं वो लो के अंदर है, मीडियम में थोड़ा कुछ सिलेक्टेड है, हाई में क्या है ओवरऑल मार्केट के ऊपर ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो इन्होंने अपने स्लैब के हिसाब से मार्केट को भी सिलेक्ट कर रखा है और उस हिसाब से ये ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, आप इसको पीपीटी में भी देख सकते हैं। अगर एग्जांपल से समझे तो जैसे मैंने $1,000 की आईडी पुट किया सिस्टम में, तो अगर मैं हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो जैसे कि यहाँ पे 6-10% का प्रॉफिट रेशियो दे रखा है मंथ का, यानी कि अगर मैं हाईएस्ट लेके चलूँ तो अगर 10% का प्रॉफिट मुझे मिलता है, यानी $100, 1000 पे $100 मुझे मिलेगा जिसको मैं क्लेम कर सकता हूँ। उसी हिसाब से $10,000 इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 10% के हिसाब से $1,000 मुझे मिलने वाला है इस हाई रिस्क में पैम के थ्रू। अगर मैं एज ए इन्वेस्टर काम कर रहा हूँ, एज ए किसी भी तरीके से काम कर रहा हूँ और मैंने अपना कैपिटल लगा रखा है, तो मुझे ये रिटर्न मिलने वाला है। अब डिपेंड करता है सिस्टम कितना जनरेट करता है और कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये तो रहा पैम के बारे में। इस सिस्टम में जो है कि आप चाहे मेंबर हो, चाहे आईबी हो, चाहे डीआईबी हो, एमआईबी हो, कुछ भी हो, आपको जो रिटर्न है वो इतना ही मिलने वाला है। ठीक है, आप जिस पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करते हैं, जितना कैपिटल रहेगा उस हिसाब से आपको उतना ही रिटर्न मिलने वाला है। ये नहीं कि आपके कैपिटल पे फिर आपके लिए अलग इनकम होगा, कुछ नहीं है, आप जितना इन्वेस्ट करते हैं और पैम में आपको इतना ही रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, जो है बात करते हैं सेकेंड टाइप के इनकम की, जिसमें आता है नाम साइक्लिकल बोनस का। अगर आप सिस्टम में ज्वाइन होते हैं और कम से कम 90 दिन सिस्टम में रुकते हैं तो आपको जो है 1% एक्स्ट्रा इनकम मिलने वाला है। ठीक है, अगर उसके 90 दिन और यानी टोटल 180 दिन रुकते हैं तो आपको 1% और एक्स्ट्रा मिलने वाला है, और उसके 90 दिन यानी 270 दिन तक रुकते हैं तो 2% और एक्स्ट्रा, यानी टोटल अगर देखा जाए तो आपको 4% यहाँ से एक्स्ट्रा मिलने वाला है। जहाँ पे आपको अगर 10% का प्रॉफिट मिल रहा था, अब आपको क्या है 270 दिन बाद 14% का प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको ₹100 का इनकम आ रहा था तो अब जो आने वाला है वो ₹140 का, मतलब $1 का इनकम आने वाला है 1000 के ऊपर। ठीक है, तो ये तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है सिस्टम, एक ट्रांसफरेबल है बिल्कुल, जिसको आप स्टडी करके यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि 1-4% का प्रॉफिट जो है आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। अभी जो है मेरा फर्स्ट वाला जो लेवल है वो कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही जल्दी ये सेकेंड लेवल भी कंप्लीट होने वाला है, तो आपको मैं अपना अकाउंट भी शेयर करूंगा, जो कि आप लास्ट तक बने रहिएगा, चेकआउट आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये तो सेकेंड टाइप का इनकम है जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं 4% का एक्स्ट्रा। बात कर लेते हैं जो कि इस सिस्टम का सबसे बड़ा इनकम है, वो है रेफरल बोनस। ठीक है, तो अगर आप सिस्टम में ज्वाइन हैं तो एज ए मेंबर ज्वाइन होते हैं, $1,000 का अगर आप अकाउंट लगाते हैं तो कम से कम आप मेंबर रहते हैं और आपको जो है कि आपके कैपिटल के ऊपर रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आपने सिस्टम में किसी 1-3 पर्सन को इंट्रोड्यूस किया है अपने डायरेक्ट में, और रेफरल बोनस में क्या है कि अगर आप अपने डायरेक्ट में यहाँ पे लगाते हैं तो जो कुछ भी आपके डायरेक्ट वाले को इनकम हो रहा होगा, मान लीजिए इसको $100 का प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है ना, $100 का इसको प्रॉफिट हो रहा हो, और $100 जो है इसको प्रॉफिट हो रहा हो, $100 इस पर्सन को भी प्रॉफिट हो रहा हो, तो ये जो तीनों पर्सन को जो जो प्रॉफिट हुआ है, इसका जो है कि 50%
तीनों पर्सन का जो इनकम हो रहा है उसका 50% आपको मिलने वाला है। यानी पर्सन ए है अगर $100 का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका जो है कि $50 आपको मिलेगा, अगर इसको भी $100 का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका भी 50 आपको मिलेगा, इसको भी $100 का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको 50 मिलेगा। हो सकता हो कि जो प्रॉफिट है वो $80 का हो रहा हो तो $40 आपको मिलेगा, हो सकता हो प्रॉफिट $60 का हो रहा हो तो हो सकता है $30 आपको मिलेगा, हो सकता है $120 का प्रॉफिट हो रहा हो तो $60 आपको मिलने वाला। कहने का मतलब है और ये जो सिस्टम है सिर्फ मेंबर के लिए डायरेक्ट नर ही फिट वाला है, इनडायरेक्ट नर से आपको यहाँ पे कोई कम नहीं मिलने वाला है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उसी के कंपेरिजन में अगर आप रैंक अचीव करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप रैंक अचीव करते हैं सिस्टम में, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे रख रखा है आईबी के लिए क्राइटेरिया 3000 पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, पर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझा रहा हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आप आईबी बन चुके हैं तो आपको क्या इनकम आने वाली है, डायरेक्ट इनकम जो आपको आ रही थी वो आने ही वाली है, लेकिन जो $50 मतलब 50% जो आ रहा था अब यहाँ से कितना आ जाएगा 100%। ठीक है ना, 100% यहाँ से आने वाला है डायरेक्ट पार्टनर से। तो यानी कि अगर इसको $100 का प्रॉफिट हो रहा हो, अगर इनको $100 का प्रॉफिट हो रहा होगा तो आपको भी इसका पूरा 100% मिलने वाला है। ठीक है, 100% आपको मिलने वाला है इन दोनों का। और इनडायरेक्ट में क्या है, आपको जो है इधर से भी 50%, इधर से भी 50%, इधर से भी 50% और इधर से भी आपको 50% मिलने वाला है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। टोटल अकाउंट जो आप देख रहे हैं 1000 का ही है, तो अगर इसको $100 फिट होता है तो इसको भी 100 का प्रॉफिट होगा, इसको भी $100 का होगा और इन सभी को भी $100 का प्रॉफिट होगा। तो इसमें से जो है कि 50% एज ए मेंबर ये है तो इसका 50% इधर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो कितना है $50 बचा रहता है वो $50 का है वो आईबी वाले को जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, इसका भी इसका स्पॉन्सर है डायरेक्टली, तो इसका जो इनकम है ये मेंबर है तो इसका जो इनकम है 50% इधर को चला जाता है और जो $50 बचता है वो सीधे आईबी को जाता है। सेम यहाँ पे भी है, सेकंड लैग में है, अगर इसका डायरेक्टली स्पॉन्सर ये पर्सन है तो इसको जो $100 का इनकम हुआ है इसको मिलना चाहिए $50, मतलब 50% यानी $50 इसको मिल जाता है, लेकिन जो रिमेनिंग 50 बचता है वो इस पर्सन के पास जाता है। सेम इसके साथ भी वही है कि $100 का इसको भी सेम प्रॉफिट होता है, जिसमें से इसका स्पॉन्सर तो ये है, इस आईडी का स्पॉन्सर ये है, तो इसका जो $50 जो है यानी 50% इसको चला जाता है, लेकिन जो रिमेनिंग $50 बचता है वो इस आईबी वाले को चला जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट डिफरेंशियल इनकम ये है कि अगर यहाँ पे कोई आईबी बन गया, यानी ये आईडी अगर आईबी बन चुकी है तो यहाँ से जो $50 ऊपर जा रहा था अब वो ऊपर न जाके इस पर्सन को जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो $50 ऊपर जा रहा था अब इस पर्सन को ना जाके अब इस पर्सन को मिलेगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आपको बहुत क्लियर हो जाए। समझते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब मान लीजिए आप हैं, आप जो है अभी आईबी पोजीशन पे हैं। ठीक है, आपके नीचे एक दो लैग चल रही है जिसमें से कि एक आईबी हो गया है और दूसरा अभी मेंबर है। ठीक है, लेकिन वैसे आपको मल्टीपल लैग की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल की आपको इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है रेफरल में वो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे बेसिकली मैंने आपको बता दिया है। अब मान लीजिए आपका पहले मेंबर वाले का मैं बताता हूँ कि इससे ये जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा इसका 100% आपको इनकम आने वाला है, ये तो क्लियर हो गया है। बट आपको सेकंड लेग से क्या इनकम या थर्ड लेग से क्या इनकम होने वाली वो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन से क्या इनकम होने वाली वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये इसका अपलाइन ये है मेंबर रैंक पे है, तो जो कुछ भी इसको इनकम आएगा उसका 50% इधर इसको जाने वाला है। यानी अगर 1000 पे $100 का इनकम हो रहा है, ठीक है, $100 का इनकम आ रहा है तो $50 इस मेंबर को जाएगा और $50 जो है इस आईबी वाले को जाएगा। सेम केस इसके साथ भी होगा, अगर $100 का जनरेशन हो रहा है तो $100 में से $50 इसको जाएगा और $50 जो है ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो है अभी 50% का हकदार है, अभी आईबी नहीं बना है। उसी केस में अगर मान लीजिए इसके दूसरा जो लैग में है उसका डायरेक्ट जो पार्टनर है वो आईबी बन चुका है, तो यहाँ से जो अगर $100 बनता है तो इसका डायरेक्ट स्पॉन्सर है, तो आईबी बनने पे आपको पता है डायरेक्ट स्पॉन्सर वाले का 100% आता है, तो जो भी इसको जनरेट होगा उसका 100% ऊपर चला जाएगा, इसका भी 100% ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं बचेगा, जब बैलेंस नहीं बचेगा तो इस आईबी को नहीं जाएगा। यहाँ पे बैलेंस बच रहा था कंपनी के पास 50%, तो वो कंपनी जो है आईबी वाले को आइडेंटिफाई करके ऊपर की तरफ पैसा जो है ऊपर साइड को दे देती है। तो यहाँ पे ये भी डाउट क्लियर हो जाता है कि डायरेक्ट से 100% कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और इनडायरेक्ट से जो है कि 50% कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे बड़ा लोगों में यही निगेटिविटी थी कि आखिर डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे काम कर रहा है।
तो आई होप आपको कम से कम रेफरल वाली जो चीज़ें हैं वो आपको सॉर्ट आउट हो गई होंगी कि सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा है, क्योंकि ये रोटेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, एक 100% प्योर इन्वेस्टमेंट और जनरेशन बेस्ड सिस्टम है। तो आपको ये वीडियो को एक बार और पॉज करके चेकआउट कर लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सारे डाउट मैंने वैसे क्लियर कर दिए हैं। दोस्तों अब बात करता हूँ टीम बोनस का, जो चौथा इनकम है एबीपी ट्रेड का, जिसमें कि एक लेवल से पांच लेवल तक 3-3% आपको मिलता है और सिक्स लेवल पे जो है कि 5% मिलता है, यानी टोटल सिक्स लेवल का यहाँ पे टीम बोनस आपको देखने को मिलता है। अगर आप मेंबर रैंक पे हैं तो आपको सिर्फ दो लेवल तक का ही इनकम मिलेगा, यानी 3+3 यानी 6% का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, थर्ड लेवल से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और जो भी रिटर्न मिलेगा वो जितना जनरेशन हो रहा है उसके बेस पे मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख का बिजनेस डाल दिया उसके ऊपर आप 6% कैलकुलेट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि कितना ट्रेडिंग हो रहा है, यानी रिटर्न ऑफ ROI पे आपको बेस्ड है। और रैंक आपने अचीव कर रखा है तो आपको जो है टोटल का टोटल सिक्स लेवल तक का आपको इनकम मिलने वाला है, और ये भी सेम उसी पे है कि जितना जनरेशन होगा उसी के बेस्ड आपको रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ कि ये कैसे काम करता है, तो आप अगर मेंबर रैंक पे हैं, ठीक है, तो ये आपका जो आपके डायरेक्ट में हुआ फर्स्ट लेवल हुआ, और उनके डायरेक्ट जो है आपका सेकंड लेवल हुआ, तो यहाँ तक जितना भी बिजनेस हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 1000 हुआ, यहाँ पे 1000 हुआ, तो $2000 का ये बिजनेस हो गया, यहाँ पे 1000 4000 हो गया, 4+2 $6000 का आपका बिजनेस हुआ, तो 6000 पे आपको जितना भी रिटर्न जनरेट होता है उसके हिसाब से 3% यहाँ के लिए और 3% यहाँ पे आपको उसके ऊपर रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप IB रैंक पे हैं तो जितना भी लेवल यानी 6 लेवल तक का आपको जितना भी बिजनेस होता है उसके ऊपर आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन रिटर्न किसके ऊपर मिलेगा, जो भी जनरेशन होगा उसके ऊपर, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो पांचवा टाइप का इनकम है, जो कि मैनेजमेंट बोनस है, ठीक है। अगर आप मेंबर रैंक पे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, IB पे तो 5%, SIB पे है तो 10%, DIB पे है तो 15%, MIB है तो 20% आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। एग्जांपल की मैं बात करूँ, अगर आप $50,000 का आपका बिजनेस है और इस पे जो PAM रिटर्न यानी जो भी बिजनेस मतलब इनकम मिलने वाला है PAM के ऊपर ही मिलने वाला है, चाहे ये इनकम हो चाहे प्रीवियस वाले हो, तो PAM के ऊपर मान लीजिए इस मंथ में जो है 10% का जनरेशन होता है, तो इसका 50,000 का 10% होता है $500, ठीक है। और IB पे आपको कमीशन मिलता है कितना, 5%, यानी $500 पे अगर आप 5% कैलकुलेट करते हैं तो $25 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं कमीशन रिडिबेट की बात करूं तो यहाँ पे जो है मेंबर रैंक पे यहाँ पे भी इनकम नहीं मिलने वाला है, IB पे $5, SIB पे $9, DIB पे $12, MIB पे $15 का यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है लॉट साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जांपल की मैं बात करूँ, अगर $50,000 का बिजनेस है आपका और एक लॉट जो है $1,000 का कैलकुलेट होता है, तो आपको $50,000 के बिजनेस पे आपको 50 लॉट कैलकुलेट होता है यहाँ पे, और एक लॉट पे आपको जो कमीशन रिसीव होता है IB रैंक पे वो होता है $5 का, यानी टोटल $250 का यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है ये कमीशन रिडिबेट पे। ये तो हुआ इनकम की बात, जो जिसमें मैंने पूरे 6 टाइप्स के इनकम बता दिए। और अगर आपके एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिस्टम में ज्वाइन होने से पहले आप प्लान को पूरा स्टडी कर लीजिए कि कैसे क्या सिस्टम में जनरेशन हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही है। अगर आपको लग रहा हो कि ये सिस्टम जो है रोटेशन कर रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो स्टडी किया है वो प्योर जनरेशन है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। ये भी चीज़ मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे जनरेशन कर रहा है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो कंपनी का एक रिमार्क भी है कि मतलब आप जितना भी अर्न करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपका 70% जो है कमीशन वॉलेट में जाता है जो कि आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, 20% जो है एक्टिवेशन वॉलेट में जाता है जिसको आप री इन्वेस्टमेंट एज ए टीम में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और 10% जो है IPO वॉलेट में चला जाता है। विड्रॉल की मैं बात करूँ, विड्रॉल जो है यहाँ पे मिनिमम $100 का है और एवरी मंडे को जो है सेटल होता है, मतलब आप मंडे टू संडे अगर विड्रॉल करते हैं तो मंडे को आपको मिल जाने वाला है। कैपिटल आपका अनलॉक है, एनी टाइम आप विड्रॉ कर सकते हैं, 90 दिन से पहले करते हैं तो 10% का फीस लग जाता है। ये सारी चीज़ें इसके साथ में है जो कि बहुत ही नॉमिनल है। दोस्तों हमने सारे इनकम के बारे में तो बात कर लिया कि कंपनी कितना दे रही है, सिर्फ अभी तक देने की ही बात की है, कितने टाइप्स की इनकम है, कैसे कैसे दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी जो है जनरेट कितना कर रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहा है, और एक्चुअली में कंपनी को कितना प्रॉफिट है एबीपी ट्रेड को, कि जिससे कि वो लॉन्ग टाइम हम इसका विजन देख सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे सिस्टम लिख दिए हैं, MIB रैंक के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा हाईएस्ट पोजीशन है और हाईएस्ट पे एक अच्छा कैलकुलेशन बनेगा तो इससे पहले के जितने भी रैंक है तो वहाँ पे डेफिनेटली जो है कंपनी अर्निंग कर रही होगी, इस वजह से मैं MIB रैंक के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। MIB रैंक पे भी रिटर्न वही मिलने वाला है जो सभी को रिटर्न मिलता है, रेफरल बोनस भी वही मिलने वाला है जो सभी रैंक पे मिल रहा है, साइक्लिकन बोनस भी उतना ही मिलेगा जो सभी लेवल पे मिल रहा है, टीम बोनस जो 6 लेवल तक का है अगर आप उसको टोटल ऐड करेंगे तो 20% बनता है, मैनेजमेंट बोनस अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है डिफरेंशियल इनकम बेसिकली मिलता है मैनेजमेंट बोनस, लेकिन मैंने एवरेज किया वो कम से कम 30% का बैठ रहा है, फिर भी ये ज़्यादा है, ठीक है। कमीशन रिबेट MIB रैंक पे कितना बनता है, वो $15 का यहाँ पे बनता है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि किसी भी कंपनी में सबसे बड़ी लाइबिलिटीज किस किस चीज़ की होती है, इन्वेस्टर को उसका रिटर्न और रेफरल वाले को जो मतलब जिसने स्पॉन्सर कर रखा है उसको रिटर्न, इन्हीं दोनों बेस्ड पे जो है पूरी कंपनी का बेस खड़ा होता है और इसी बेस्ड पे कंपनी जो है काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में रुक नहीं पाती है। तो आज जो है हम इसी पे बात करने वाले हैं और उसके बाद जो है कंपनी को कितना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितना प्रॉफिट बचता है उस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। पैम रिटर्न की बात किया जाए तो आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है सिस्टम में, मान लीजिए आपने $1,000 का अकाउंट लगाया है और इस मंथ में जो है कि 10% का रिटर्न मिला यानी $100 $1,000 के ऊपर जनरेट हुआ तो $100 आपको मिल गया, बट रेफरल वाले को कहाँ मिलता है ये आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया होगा, बट आप अपना अकाउंट प्रीवियस में चेक करिएगा तो कंपनी जितना डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके डबल में जनरेट करती है, मीन्स कि आपने $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया है सिस्टम में और इस मंथ मान लीजिए 10% का प्रॉफिट मिला है तो कहीं ना कहीं MT4 में आप उसको चेकआउट करेंगे तो कम से कम 20% का प्रॉफिट वो जनरेट कर रखी होगी। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरा क्लियर ही कर रखा है। तो एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जितना जनरेट करती है उसका 50% इन्वेस्टर को देती है और 50% रेफरल वाले को, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल से कि मान लीजिए आप $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया आपने और कंपनी ने 20% जनरेट किया, ठीक है ना। कंपनी क्या बोलती है कि जितना भी आपका कैपिटल है उस पर 6-10% का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए कंपनी ने 20% जनरेट किया, 50% मैंने बोला कि इन्वेस्टर को चला जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग है रेफरल वाले को 100% या 50% जाएगा, ये 10% का आप मतलब समझ के चलिए, 10% का मतलब 100% है, मतलब जितना आपके डायरेक्ट को इनकम होगा उतना आपको आएगा क्योंकि मैं MIB रैंक पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए $1,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, 20% जनरेट हुआ तो $200 होता है 1,000 का, ठीक है। और इसको इनकम कितना मिलने वाला है 10% के लगभग हुआ यानी $100, ठीक है। बचता कंपनी के पास कितना है $100, $100 मतलब $100 बचता है तो $100 किसको चला जाएगा डायरेक्ट पार्टनर वाले को यानी 100%, यानी जितना इनकम इसको आया है उतना ही इनकम इसके डायरेक्ट स्पॉन्सर को चला गया। तो एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि 20% जनरेट हुआ तो 10% इसको चला गया और 10% इसको चला गया, ये 100% वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया और इसका भी रिटर्न मिल गया। तो कंपनी जो है सबसे बड़ा लाइबिलिटीज वाला जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट यहीं पर कर लेती है इसके जनरेशन के बेस पे। अब हो सकता है सिस्टम जो है 18% जनरेट करे तो 9% इसको रिटर्न मिलेगा, 9% रेफरल वाले पर्सन को, ठीक है। हो सकता है 15% जनरेट करे तो 7.5% इसको मिलेगा रिटर्न, 7.5% इसको मिलेगा। कहने का पर्पस ये है जितना भी कंपनी जनरेट करेगी उसका 50% जो इन्वेस्टर उसको रिटर्न दे देगी और 50% जो है रेफरल पार्टनर वाले को दे देगी। कंपनी ने क्या बोला है कि अगर हाई रिस्क में डालते हैं तो 6-10% यानी 6-10% जो भी जनरेट होगा उतना आपको रिटर्न मिलने वाला है। अगर 12% जनरेट करता है तो 6% पैम वाले को देगा और 6% रेफरल वाले को, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे कहीं से कहीं लाइबिलिटीज नहीं लेके चल रही है जिससे कि आपको कोई डाउटफुल यहाँ पे होने वाला है। आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बाकी जो इनकम है ये कहाँ से दे रहा है और कंपनी को प्रॉफिट कैसे हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो भी कंपनी है, कंपनी जो है एज ए ब्रोकर वर्क करती है तो कहीं ना कहीं कंपनी को जो है ब्रोकरेज रिसीव होता है, ठीक है। और इनको जो ब्रोकरेज रिसीव होता है पर लॉट जो है $25 का रिसीव होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं जो भी इनकम यहाँ पे मिल रहा था वो पैम के ऊपर है। मान लीजिए कंपनी को जो है 10% का प्रॉफिट रिटर्न सबको दे रही है तो अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसके ऊपर भी ये सारे के सारे इनकम जो है पैम के ही ऊपर है। अगर इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो 10% का 4% निकालेंगे तो 0.4% रिटर्न इसका बनता है, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पूरा का पूरा जो है पैम के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप साइक्लिकल बोनस 4% निकालेंगे तो 0.4% ये मंथली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि 10% तो आपको मंथली मिल रहा है ना, तो यहाँ पे मंथली आपको इनकम देखने को मिलेगा,
टीम बोनस जो है टोटल अगर आप 6 लेवल का ऐड करेंगे तो 20% बनता है, लेकिन पैम के हिसाब से आपको 2% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखेगा। सेम मैनेजमेंट बोनस भी 30% तो मैंने बहुत लिख रखा है, बट जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पैम के अकॉर्डिंग हो रहा है तो यहाँ पे 3% आपको देखने को मिलता है। कमीशन रिडिबेट ऐसे ही है क्योंकि ये लॉट साइज पे मिलता है तो $15 ये फिक्स है। ठीक है, अब मैं आगे का कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इसका हिसाब किताब तो आपको समझ में आ गया कि इधर ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर से ये हिसाब किताब खत्म हो गया। अब पैम का और रेफरल से कोई लेना देना नहीं है। अब मेन जो कंपनी के 4 टाइप के इनकम है इसमें देखना है और कंपनी यहाँ से कितना जनरेट कर रही है और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, अब मैं पहले इतना बता देता हूँ कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है इन चारों सिस्टम के अकॉर्डिंग। मैं 1000 के हिसाब से ही कैलकुलेट करके इन सभी चीज़ों का मैं बताने वाला हूँ। हमने सारी चीज़ें समझ ली, के ऊपर 4 टाइप की लाइबिलिटीज चल रही थी, उस अभी जो कंपनी के ऊपर 4 टाइप की लाइबिलिटीज चल रही थी उसके बारे में बात करने वाला हूँ। पर $1000 के अकाउंट पे साइक्लिकल बोनस $40 बनता है, टीम बोनस 2% के हिसाब से $20 बनता है, मैनेजमेंट बोनस 3% के हिसाब से $30 बनता है, और कमीशन रिडिबेट जो है $45 बनता है, क्योंकि कंपनी जो है 9 लॉट जो है पर मंथ ट्रेड करती है, जिसमें से 3 लॉट जो है कस्टमर के लिए ट्रेड होता है और 6 लॉट जो है कंपनी के लिए ट्रेड होता है। ठीक है, टोटल जो कमीशन लॉट जो है 9 लॉट ट्रेड होता है, तो और पर लॉट जो कमीशन रिसीव होता है इनको $25 का होता है, तो 3 लॉट के हिसाब से $45 आपको मिलता है। अगर आप देखते हैं तो टोटल जो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज बनती है करीब करीब $135 की बनती है। अब आगे हम जानेंगे कि ये $135 कैसे जनरेट होता है। तो पर लॉट मैंने आपको बताया $25 का कमीशन लेता है ये, क्योंकि एज ए ब्रोकर है और ब्रोकरेज इनको मिलता है, और 9 लॉट ये ट्रेड करते हैं, यानी टोटल $225 जो ये जनरेट करते हैं। ठीक है, $225 में से अगर आप $135 अगर माइनस करते हैं तो कम से कम ये बचता है आपका, इनको जो है नेट प्रॉफिट जो है $90 का होता है। ठीक है, इनको $90 का नेट प्रॉफिट होता है। अगर आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने जाएंगे, यानी कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं यहां से $90 कैसे हुआ, तो वो चीज़ मैं बताने वाला हूं। यानी कि कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज $135 की थी और ब्रोकरेज से इन्होंने $225 बनाया प्रॉफिट। ठीक है, और इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो $90 का प्रॉफिट इनको दिखाई देता है। अब सबसे बड़ी बात है $90 तो हमको दिख गया कि $90 है, एक्चुअली में इनको कितना प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में उसको जानने के लिए, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना होगा कितना इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। तो $90 का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और टोटल जनरेट कितना हुआ है $225। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये करीब करीब 40% का एवरेज प्रॉफिट बनता है। ये जो 40% जो प्रॉफिट बना है ना, ये पर अकाउंट से जनरेट हो रहा है, यानी $1000 का अकाउंट है तो उसके बेसिस पे। सबसे बड़ी लाइबिलिटी जो पैम रिटर्न रेफरल बोनस था ये तो यहीं से निपट गया, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मेन ब्रोकरेज है ब्रोकरेज से ये 4 टाइप के जो इनकम है उसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से ब्रोकरेज से ये 40% का प्रॉफिट यहाँ से जनरेट करते हैं। मैं अगर इसके बाद भी अगर 20% कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज और जो है इधर उधर खर्चे होते हैं अगर उसको भी लेता हूँ तब भी ये नेट प्रॉफिट जो है 20% प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं पर अकाउंट पे। और आपको पता है कि यहाँ पे जो है कि मिलियंस ऑफ फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो आप समझ सकते हैं मिलियंस ऑफ फंड का अगर आप 20% निकालेंगे तो कितना बड़ा प्रॉफिट कंपनी को जा रहा है। तो कंपनी जो है यहाँ पे लाइबिलिटीज फ्री है, और यहीं से आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था कि कंपनी जनरेट कैसे कर रही है और डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रही है। आपको आगे डिसाइड करना है कि आपको ऐसे सिस्टम में काम करना है जहाँ पे लाइबिलिटीज वाली हैं या लाइबिलिटीज फ्री से, तो आप भी इस ज्वाइन होकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सक। तो आज के लिए नहीं था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें पूरा कंप्लीट डिटेल बता दिया है कंपनी के प्रोफाइल सेक्शन से लेके इनकम कितने टाइप के इनकम है उसको लेकर के कंपनी को प्रॉफिट कितना है जनरेट कितना कर रहा है देख और डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहा है और अल्टीमेटली कंपनी को कितना प्रॉफिट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही है कि कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉन्ग टाइम हम उसका विजन देख सकते हैं। कंपनी का विजन लॉन्ग टाइम का है और इसी हिसाब से हम इसको ले सकते हैं। तो अभी तक आपने सिस्टम में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट $500 से है, तो आप इसको रीड करके चेकआउट करके